दोस्तों, जब बात खतरनाक जानवरों की हो तो हमारे एनिमल किंगडम में ऐसे जानवरों की कमी नहीं है, क्योंकि कोई अपने मजबूत जबड़ों से किसी को फाड़ कर रख देता है तो कोई अपनी रफ्तार का जादू दिखाकर सामने वालों को खाक में मिला देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे ही खतरनाक जीवों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको अचानक देखने पर इन दोनों में फर्क कर पाना बेहद ही मुश्किल होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इन दोनों जानवरों के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं जैगुआर की। दोस्तों, जैगुआर एक ऐसा खतरनाक जानवर है जिसे धरती पर पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का बाप कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साउथ और सेंट्रल अमेरिका में पाए जाने वाले जैगुआर इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि एक ही झटके में सामने वाले की जान ले लेते हैं। यह एक ऐसा जानवर है जिसे छोटे मोटे जानवर पसंद नहीं आते, बल्कि मगरमच्छ जैसे जानवरों का शिकार करना इसे बेहद ही पसंद होता है। इसके दांत इतने मजबूत होते हैं कि यह पल भर में ही किसी भी हड्डी को चकनाचूर कर देता है। यहाँ तक कि यह कछुए के मोटे से मोटे खोल को भी भेद देता है। एक वयस्क जैगुआर की लंबाई 7 फीट, ऊंचाई 2 फीट और वजन लगभग 100 किलोग्राम के आसपास होता है, जो बिल्ली प्रजाति के सबसे खतरनाक जीव बाघ और शेर के बाद तीसरा सबसे बड़ा जीव है। इसकी खाल पीली और चमकीली होती है, जिस पर बड़े बड़े काले धब्बे बने होते हैं। हमारी दुनिया में जैगुआर की एक ऐसी प्रजाति भी है जो बिल्कुल काली होती है, जो दिखने में बेहद ही डरावनी होती है। जैगुआर का शरीर चीते के शरीर की अपेक्षा मजबूत और भारी होता है। जैगुआर के शरीर पर चीते की अपेक्षा बहुत कम धब्बे होते हैं, जिस कारण इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। अब बात करते हैं धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाले जीव चीते की, जिसकी रफ्तार 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। ये दुनिया में हर हिस्से में पाए जाते हैं और इनकी मुख्य पहचान होती है चमड़ी पर बने काले काले धब्बे। चीते का आकार जैगुआर की अपेक्षा भले ही छोटा होता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा आक्रामक होते हैं और इंसानों पर भी हमला करने से नहीं चूकते। चीते का मुख्य भोजन छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश और मछली होते हैं। अगर बात करें जैगुआर और चीते के कंपैरिजन की, तो जहां जैगुआर की हाइट 7 फीट लंबी, वजन 100 किलोग्राम तक होता है, तो वहीं चीते का वजन मात्र 50 से 60 किलोग्राम तक होता है और यह 5 फीट तक लंबा हो सकता है। अगर इनके जीवन काल की बात की जाए तो जैगुआर का जीवन काल 20 साल का होता है, तो वहीं चीते का जीवन काल 12 से 16 साल के बीच होता है। जहां जैगुआर की बाइट फोर्स शेर और बाघ से भी ज्यादा 1500 PSI होती है, तो वहीं चीते का बाइट फोर्स मात्र 310 PSI होता है। अगर चीते की रफ्तार को छोड़ दिया जाए तो यह जैगुआर के सामने कहीं नहीं टिकता। दोस्तों, आपको इन दोनों में से कौन सा जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऐसी ही रोचक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।